कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर कार्रवाई करने की बात कही थी, साथ ही पीएफआई पर भी कार्रवाई करने की बात की थी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार घिरती चली गई इस मैनिफेस्टो के सामने आने के बाद। और अब बजरंग दल ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, लेकिन पुलिस ने उनमें से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मंगलवार को अपना घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था, जिसमें सत्ता में आने पर बजरंग दल पर कार्रवाई करने की बात कही थी। हैदराबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने देशव्यापी प्रदर्शन आज किया है और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल आप ये सड़कों पर देख रहे हैं। हालांकि पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी, डिप्लॉयमेंट वहां की हुई थी फोर्स की, और पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट का ही असर रहा कि हालात बेकाबू नहीं हुए और जिन जिन लोगों ने पहुँचना शुरू किया था कार्यकर्ताओं ने, उन्हें हिरासत में शुरू कर दिया पुलिस ने।